ऑल राइट है इस व्हाट्सअप एवरीबडी आप सबका वेलकम है मेरे इस चैनल में मेरा नाम है सारवेंद्र और आप वॉच कर रहे हैं मेरे ये ट्यूटोरियल और इसमें आज मैं आपको सिखाऊंगा कि ये कार्ड कैसे ग्लो कर दे प्लेइंग कार्ड आप जैसे ये आप देख सकते हैं रेड कलर का ग्लो कर रखा है मैंने अपनी फ़ोटो में कर रखा था और ये कल पोस्ट हुई थी और बहुत सारे लोगों का यहाँ पे कमेंट आया था मेरे को और जस्ट उसमें लिखा हुआ था ट्यूटोरियल चाहिए भाई ट्यूटोरियल चाहिए तो यार सब के लिए अब मैंने ट्यूटोरियल क्रिएट कर दिया अभी ये लोड नहीं हो रहा है हालांकि नेट नहीं चल रहा मेरा सही से होता है कभी कभी सो so, यहाँ पे ये वाली फ़ोटो का ट्यूटोरियल रहेगा एंड थैंक यू गायस आपने बहुत सपोर्ट करा मेरी इस वाली रील को और इस पर साठ हज़ार क्रॉस कराया एंड हर्ष भाई ने बहुत सपोर्ट करा हर्ष वागले भाई ने आ, भाई ने बहुत अच्छे से सपोर्ट कर रखा है मेरे को और रात को माइंड ब्लोइंग बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स आया है सो होप सो आप ये जरूर चेक करें रील को और इसमें लाइन एनिमेशन यूज़ कर रखी है अगर आपको लाइन एनिमेशन भी सीखनी होगी तो थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि थोड़ा कंप्यूटर हैवी चाहिए होता है उसके लिए ट्यूटोरियल बनाने के लिए सो होप जल्दी मेरा टुटोरियल है। वो कंप्यूटर भी बन के आ जाएगा तो मैं आपके लिए ट्यूटोरियल भी अपडेट कर दूंगा और जैसा ये हैशटैग ऐप के बारे में मैंने आपको बताया था तो ये बस इसी वीडियो के बाद मैं डालने वाला हूँ जस्ट अभी क्रिएट नहीं करी है मैंने क्योंकि ये ट्यूटोरियल थोड़ा ज़्यादा लोगों ने मांगा था और जल्दी से पिक्सार्ट की तरफ जंप कर जाते हैं तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आपको इसकी पी चाहिए तो सारे डिस्क्रिप्शन के अंदर हैं ग्लोइंग कार्ड और ग्लोइंग जो उसमें फ्लेम्स है वो पूरी है आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा खुद का ग्लो क्रिएट करने में तो यहाँ एडिट फोटो में आ जाता हूँ और यहाँ सबसे पहले मेरे को अपने आप को लेना है जब भी आप अपने आप की फ़ोटो लेंगे यहाँ पे ठीक है तो यहाँ सिंपल अपने को ब्लैक एंड वाइट कर लेने का है अगर आपको ब्लैक एंड वाइट भी नहीं आता है तो यहाँ से आप आ सकते हैं ह्यू सैचुरेशन वाले जो भी एडजस्टमेंट होती हैं यहाँ से आप कर सकते हैं और सैचुरेशन बिल्कुल अप टू दी जीरो ले चले जाएँ तो आपकी फ़ोटो ब्लैक एंड वाइट हो जाएगी ठीक है और यहाँ मैं डन कर देता हूँ और कुछ इतना है नहीं इसमें अभी तो ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो होनी चाहिए और लाइक आप ऐसे पोज में खड़े हों बिल्कुल जैसे मैंने ये कार्ड होल्ड कर रखा है तो आप देख सकते हैं कि ये वाला पोज है ये कार्ड होल्ड कर रखा है मैंने आप ऐसे पोज में क्लिक कर सकते हैं ऐसे हाथ करके ठीक है <coughs> उसके बाद आपने एड फोटो में जाना है तो अगर आपके पास कार्ड ना हो तो मैं तब भी बता रहा हूँ यहाँ से कार्ड ऐड कर सकते हैं आप यही वाला मैं कार्ड मैंने कट करके रखा है आप सबके लिए क्योंकि कईयों के पास होता नहीं है कार्ड कहीं पे है नहीं या हो घर में कहीं अलाउड नहीं होता है, नहीं तो कहेंगे पत्ते खेलने लग गया है लौंडा तो क्या करें अब इसके लिए मैंने सॉल्यूशन निकाला और जस्ट आप ऐसे अलाइन कर दीजिएगा उसे ठीक है जैसे ही आप अलाइन कर देंगे तो टिक कर देना क्योंकि जैसे मेरी फिंगर्स ने होल्ड कर रखा है आप भी वैसे ही कार्ड को होल्ड करेंगे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा तो आप उसे यहाँ इरेज कर सकते हैं ईजिली और वो फिट हो जाएगा ठीक है फिर यहाँ डन कर देना है आपने अब उसके बाद आपने एड फोटो पर आना है और यहाँ से ज़्यादा कोई चीज़ या पंती या कुछ अपनी फुल एक्सपीरियंस बाजी नहीं दिखानी है यहाँ पे आपको मैंने ये दे रखा है ग्लो सो so, ग्लो बहुत ही अच्छा क्रिएट कर रखा है मैंने पहले तो इसे अच्छे से अलाइन कर लूँ और फिर यहाँ पे आपने जाना है ब्लेंड में जाना है और यहाँ स्क्रीन कर देना है इसे जैसे ही आप स्क्रीन करोगे तो आप देख सकते हो कि ग्लो ऐसे निकल जा रहा है पूरा तो उसे ऐसे जस्ट मैनेज करना कि वो बिल्कुल साइज़ में फिट हो जाए तो यहाँ साइज़ में फिट करना आपने देखना है कि आपको कहाँ से कार्ड में फ़िट आएगा पूरा अच्छे से ज़ूम कर लेना ठीक है ज़ूम करके आप इजीली कर सकते हो और जस्ट मेरा तो यहाँ है ये यह परफेक्टली हो जाएगा ठीक है सो यहाँ डन कर देता हूँ मैं तो आप देख सकते हैं यहाँ बिल्कुल सही से सेट हो गया है ठीक है अब ग्लो के बाद आती है फ्लेम्स की बारी ग्लो में बस आपको ध्यान रखना है कि ब्लैंड मोड आपका स्क्रीन होना चाहिए अगर आपका ब्लैंड मोड स्क्रीन नहीं होगा ना तो ये ग्लो वर्क नहीं करेगा ठीक है अगर आपका ब्लैक ब्लैक आ रही है पूरी स्क्रीन तो उसे ब्लैंड मोड में जाना है और स्क्रीन कर देना है ये गलती से हो गया फिर ऐड फोटो में जाना है और ये फ्लेम्स ऐड करनी है अब फ्लेम्स के लिए भी सेम आप अप्लाई कर सकते हो और यहाँ पे जाके आपने स्क्रीन कर देना स्क्रीन भी कर सकते हो ओवरले भी दिखेगा नहीं वैसे लेकिन यहाँ पे आपको स्क्रीन ही बेटर दिखेगा तो स्क्रीन से आपने ये देख सकते हो कि खूब फ्यूम्स निकल रखे हैं ये मैंने अपने हाथ से ड्रा कर रखे हैं सारे कहीं से लिया नहीं है तो ये ड्रॉ करना बहुत ही ईजी होता है कोई प्रॉब्लम नहीं आती है इसमें इतनी तो आप इजीली ड्रॉ कर सकते हैं और इसके अंदर मैंने थोड़े ड्रॉइंग के टाइम पे वो आप देख सकते हो उसके मुकुट में भी अच्छे से थोड़ी डिटेल्स ऐड कर दिए हैं जो आपको इंस्टाग्राम पे नहीं दिखेंगी जस्ट वो थोड़ा फेस किंग का अच्छे से दिखे और इस कंसेप्ट का नाम ग्लोइंग किंग इसीलिए लिए पढ़ा था क्योंकि मैं किंग को ग्लो कर रहा था ना कि मैक ग्लोइंग किंग हो क्योंकि मैं तो यार बहुत अभी सीख रहा हूँ कैलॉप है जो करते हैं वो एडिट वो मेरे से भी अच्छी करते हैं यार ग्लोइंग में सो so, यहाँ पे आपने ये देख रहे हो कि बिल्कुल अच्छे से मैंने एडिट करके रख दिया और यहाँ फ्यूम्स व्यूम्स भी अच्छे से निकल रही हैं अब सेव कर देते हैं ठीक है यहाँ जंप करते हैं लाइट रूम के अंदर क्योंकि इसमें थोड़ी पोस्ट प्रोसेसिंग की भी आपको ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि जो पहले फ़ोटोज़ थी उसमें इतना पोस्ट प्रोसेसिंग का वो नहीं था तो यहाँ पर आप क्लिक करके ऐड कर सकते हैं ठीक है फिर उसके बाद ऐड फोटो में जाने का है और फिर यहाँ से आप अपनी फोटो ओपन कर देना इसमें ज़्यादा कुछ कलर ग्रेडिंग के बेस पे नहीं है इतना अगर मैं कलर ग्रेडिंग के बारे में आपको एक्सप्लेन करूँ अच्छे से तो इसमें जस्ट विनियट होता है विंटेज बोला था मैंने पिछली वीडियो में सॉरी उसके लिए विनीर्ट है तो यहाँ से विनीर्ट ऐड करना है थोड़ा सा क्योंकि बिना विनीट के आपका फोकस कभी उस कार्ड पे नहीं जाएगा आप देख सकते हैं अगर मैं ऐसा कर दूँ तो यहाँ विनीर्ट से आप देख सकते हैं कितना अच्छा एक्सपीरियंस आ गया है वहाँ पे कि बिल्कुल सेंटर फोकस्ड हो गया है ठीक है उसके बाद मेरे को चाहिए होती है क्लैरिटी क्लैरिटी से क्या होगा जो मेरी रिंग्स हाथ में पैन रखी हैं वो थोड़ी पॉप होंगी ठीक है तो यहाँ मैंने पॉप कर दिया जस्ट और अब मैं बढ़ता हूँ ग्लो की तरफ थोड़ा सा क्योंकि रेड रेड की तरह नहीं लग रहा है क्योंकि थोड़ी लिटिल बिट एडजस्टमेंट बाद में भी चाहिए होती है जब आप ग्लो कर देते हो ग्लो इतना वास्ट नहीं जाता है कभी भी तो यहाँ से आप हमेशा सेचुएशन को इंक्रीज डिक्रीज़ कर सकते हो अपने हिसाब से लाइक मैं तो हमेशा टू द अप ले जाता हूँ इसे और लुमिनंस को भी थोड़ा कर से देते हूँ क्योंकि ग्लो यार अच्छा लगता है जब वो अच्छा वाइट दिखे थोड़ा सा मतलब इनर कोर वाइट हो और बाहर से रेड हो तब वो ग्लो वाली फ़ील क्रिएट होती है अगर मैं पूरा रेड रेड पेंट कर दूँगा तो वो कभी फील जनरेट नहीं होगी तो इस चीज़ का बड़ा ध्यान रखें उसके बाद आप ग्लो के कलर को भी ऑल्टर कर सकते हैं थोड़ा सा जो मैंने ग्लो कराया है अपनी फ़ोटो में वो थोड़ा सा ऑल्टर करके पीछे करा है यू फाइव पे कर रखा है थोड़ा सा पिंकिश है वो लेकिन अगर आपको ऑरेंज में पसंद आता है तो ऑरेंज में भी कर देते हैं ये वाली फ़ोटो को तो लाइक अगर यहाँ पर छः रखूंगा तो बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है यहाँ पर ठीक है अब उसके बाद यहाँ से आपको आना है एक्सपोजर और ब्लैक वाइट्स के अंदर क्योंकि ब्लैक वाइट्स की वजह से आपका फ़ेस जो होगा ना वो पॉप होएगा अब फेस पॉप करने के लिए आपको वाइट्स पे ध्यान देना है कि आपका बैकग्राउंड इससे पॉप हो रहा है या इस वाले से पॉप हो रहा है तो इस ब्लैक वाले से मेरा फ़ेस पॉप हो रहा है तो मुझे फेस भी दिखाना है अच्छे से तो मैं ब्लैक्स को ऑल द वे अप ले जाऊँगा और वाइट्स को डिक्रीज कर दूँगा थोड़ा क्योंकि मेरे को बैकग्राउंड को पूरा मिनिमाइज करना है कि यार वो कभी आगे ना आए मेरे उसमें ठीक है और शेडोज थोड़ी अनलॉक कर दूंगा शेडोज से आप देख सकते हैं कहाँ फ़र्क पड़ रहा है मेरे स्वेटर पे पड़ रहा है स्वेट शर्ट पर आप देख सकते हैं कितनी अच्छी डिटेलिंग दिख रही है मेरे स्वेटर की और टू द वे अपनी लेके जाऊंगा क्योंकि आप यहाँ देख सकते हैं ये जो क्या कहते हैं फोटो के पिक्सलेशन आ गए हैं और आर्टिफिक आर्टिफेक्ट्स आ गए हैं, आप हैं तो है तो यहाँ है पे आप देख सकते हैं तो आर्टिफैक्ट्स नहीं डालने हैं मुझे इतने तो यहाँ कम कर देता हूँ मैं ठीक है अब उसके बाद जो मुझे वर्क करना है वो हाईलाइट्स पे आप देख सकते हैं ग्लो कितना इफेक्ट हो रहा है तो यहाँ ग्लो को जितना अच्छे से ग्लो कर सकता हूँ मैं और उसको और एनहेंस करना होता है ना कि हमेशा ग्लो को दबाना होता है मैंने बहुत लोगों की फ़ोटो इंस्टाग्राम पे देखी है वहाँ पे ग्लो इतना अच्छा नहीं हो पाता क्योंकि उनका सेंटर कोर व्हाइट नहीं होता है हमेशा तो आप यहाँ कार्ड में देख सकते हैं सेंटर कोर व्हाइट है और वाइट ही रहना चाहिए हमेशा ठीक है और अगर आपको ये बिल्कुल अच्छे से सीखना है कि टू द पॉइंट कैसे ग्लो होता है मतलब कोई भी चीज़ किसी भी पॉइंट पर ग्लो कर सकता है तो आप कमेंट डाउन करना मैं वो भी बता दूंगा बहुत ही इजी होता है और कोई इतना हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है यहाँ आप सेफ टू डिवाइस कर सकते हैं और यहाँ सेव कंफर्म हो जाएगा और यहाँ कंप्लीट हो गई है वीडियो और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब एंड वो कर दें वीडियो का लाइक